गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, एमपी में 15 नए मामले सामने आए, 19 लोग ठीक है, रिकवरी दर बड़ी, पॉजिटिविटी घटी। दिवा स्वप्न है स्वर्ग में विचरण करने में क्या बुराई है, इस बार ममता बनर्जी ठीक हो जाएगी। कमलनाथ क्यों बार बार कह रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, इस कांग्रेस से मध्य प्रदेश से जाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, ये शोध का विषय। कमलनाथ के लिए चिंता और चिंतन का विषय। प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहीं कोई कमी नहीं है, गर्भवती महिलाओं को लगाए जाएंगे 20 लाख वैक्सीन। पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर है क्या कमलनाथ, भारत को बदनाम करने वाले अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस गुटों की पार्टी है, राजनीतिक दल नहीं। 25 तारीख को प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव आएंगे, हर विषय पर संज्ञान लिया जाएगा। जैसा दिनों दिन हमारा उपलब्धि रही है, लगभग वैसा ही रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में कुल 15 नए प्रकरण आए हैं, और जबकि 23 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस कुल 164 रह गए हैं, और सैंपल पूरे मध्य प्रदेश में 76,261 कल लिए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारी 0.019% रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.6% आज है। जैसा पूर्व में भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि कोरोना प्रदेश में अपने पैर न फैला पाए, तीसरी लहर की आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, और इसका सर जब उठेगा तब हम कुचल देंगे। सर, ममता बनर्जी भाजपा का खेला हो गया, दिवा स्वप्न है, और दिवा स्वप्न में स्वर्ग में विचरण करने में क्या बुराई है। हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की गलत फहमियाँ लोग पालते हैं, जब आते हैं तो ठीक हो जाते हैं, ये भी इस बार ठीक हो जाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, कल भी लगातार तीसरी बार बन रहे हैं, ये भी कहा है कि सेवा करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश। अच्छा, एक बात बताओ, ये तीसरी बार कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, अब खोजने वाली बात यह है कि इन्हें कांग्रेस में मध्य प्रदेश छोड़ने को मजबूर कर कौन रहा है। ये शोध का विषय होना चाहिए और सोच का विषय होना चाहिए, और ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी होना चाहिए कि इनको मजबूर कौन कर रहा है मध्य प्रदेश छोड़ने पर, जो बार बार कहना पड़ रहा है। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन जो है वो लगातार अच्छे पैमाने पे किया जा रहा है, लेकिन 24 घंटे में देखिए कल वैक्सीनेशन डे था, मात्र 3,000 वैक्सीन लगी गई। आज की बात करें तो आज भी आपने आज देखा होगा, पढ़ा होगा वैक्सीन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि हमारी जो प्रसूता माएँ हैं उनको 20 लाख वैक्सीन लगाएंगे। अब स्वाभाविक रूप से जब किसी हम नए अभियान की तैयारी करते हैं तो ध्यान उधर की तरफ लगाते हैं। जा सकता हूँ सर? तो नहीं है, आज रेड हुई है इनकम टैक्स की, भास्कर ग्रुप पे आज एक रेड हुई है, उसके बाद में दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आया है कि मोदी शाह की जोड़ी ने ये करा दिया। क्या आज हुई है? अभी हुई है, पूरे देश के अंदर भास्कर ग्रुप के जितने भी ठिकाने हैं वहां पे। मैं एक बार जानकारी ले लूं, उस पे दिग्विजय जी का ट्वीट आया कि मोदी और शाह ने ये पेगासस को लेकर कमलनाथ जी ने कॉन्फ्रेंस ली कल, और वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि छोड़ के किए गए हैं, पहले सूची देने वाले थे वो सूची तो नहीं आई, रिट्रैप वाले में भी उन्होंने कहा था सूची देंगे। अच्छा, ये पेगासस के ब्रांड एम्बेसडर हैं कमलनाथ जी? मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि प्रमाण एक भी नहीं दिया और बारीकियां इतनी बता दी। ये उसके यूजर रहे हैं, ये उसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, सप्लायर हैं, क्या थे ये, इतनी जानकारी कैसे? ये वो शख्स हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, ये वो शख्स हैं जो लाशों की गिनती लाखों से ऊपर मध्य प्रदेश में बताते हैं, अब कहते हैं कि टिकट उन्हें देंगे जो लाशें गिन के लाएगा।
ये वो शख्स हैं जो कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते थे, अब ये वही काम कर रहे हैं कि देश बदनाम कैसे हो। अब राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो भारत को बदनाम की बात करते थे। इनके बदलते हुए चेहरे हैं, 84 के दंगों के मास्टरमाइंड, अगर व्यक्ति कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो कौन सी अजीब बात। सर, कमलनाथ जातिगत हैं सरकारी, वो अपने काम के साथ साथ कुछ वक्त के लिए प्राइवेट जॉब या बिजनेस भी कर सकेंगे ताकि सरकार का घाटा बच सके, ऐसी कोई योजना पर सरकार विचार कर रही है क्या? फसलो योजना 2002 में दिग्विजय, हो सकता है हो रहा हो, पर अभी मेरे ध्यान में विस्तार से ये विषय आया नहीं है। जब तक कोई विषय विस्तार से ना आए उस पर कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगी और संभावनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी ठीक नहीं। 2002 में ये योजना दिग्विजय सिंह भी लाए थे, वो तो जाने क्या क्या लाए थे, पर धरातल पे एक भी नहीं आ पाई अभी 15 महीने की। वो हमारे प्रभारी हैं और हर विषय पर संज्ञान लेते हैं, निश्चित रूप से कोई विषय होगा तो उस पर संज्ञान लेंगे। जय भाई की बोलो। सर्वे के बाद जो है जाति पूछी जाती है बैठक में, इस तरह की बात करें। देखो, कांग्रेस की पूरी राजनीति जाति पर आधारित है, गुटों पर आधारित है, वहाँ कोई संगठन नाम की चीज थोड़ी है। वहाँ तो कमलनाथ गुटका, राहुल गुटका, पचौरी गुटका, दिग्विजय गुटका, ये गुटके हैं। सर, एक योजना है, कहाँ रह गया घनश्याम? एक मिनट रुक जा, अभी बंद कर ले।